और अब सवाल ये है कि अच्छे दिन आएंगे कब। 13 वर्ष की बाल उम्र में संन्यास लेने वाले, 20 वर्ष की उम्र में दीक्षा, 33 वर्ष की उम्र में लाल किले से राष्ट्र को संबोधन, 35 की उम्र में राष्ट्रसंत, 38 में भारतीय सेना को संबोधन, 43 में आरएसएस को महासंबोधन, 44 में विधानसभा में प्रवचन और 45 वर्ष की उम्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज। और इस तरह हर बार नई शुरुआत करने वाले और जैनियों के साथ अजैनों में भी अपने कड़वे प्रवचनों से दिलों में मिठास घोलने वाले मुनि श्री तरुण सागर जी ने अपने जीवन के अंतिम प्रवचन में संक्षिप्त रूप से स्पष्ट बता दिया कि अच्छे दिन यूं ही नहीं आएंगे, कब आएंगे जरा उन्हीं से उनके अंदाज में सुन लीजिए। लोग हमेशा परेशान होते हैं कि ये कैसे दिन चल रहे हैं, बहरहाल आप इन्हें बताएं कि अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। हाँ आ गया। नहीं, थोड़ा आने में टाइम तो लगता है ना, वो ट्रैफिक में क्या है ना, फंस जाते हैं विचार। अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे संबंध इस संबंध में सिर्फ ये कहना है, जिस दिन हमारे देश के नेताओं की नीति के साथ नियत अच्छी हो जाएगी, उस दिन अच्छे दिन अपने आप ही आ जाएंगे। और नीति के साथ में अगर नीति के पीछे जो नियत है वो अच्छी नहीं होगी, तो हम आप क्या भगवान भी चाहें तो भी अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं।